बहुत खूबसूरत एहसास है। दोस्तों, एक बहुत अच्छी बात हमें लगी है और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हमारे बीच माननीय मंत्री विनोद तावड़े जी हैं, उन्होंने एक बात बताई है, वो बुके भेंट करना पसंद नहीं करते हैं, बुक भेंट करना पसंद करते हैं, पुस्तकें। बहुत ये विचार अपने आप में बहुत उम्दा है, स्वागत योग्य है। और माननीय मंत्री विनोद तावड़े जी, पंडित हृदयनाथ जी को, लता दीदी को और जावेद साहब को बुक भेंट करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। मशहूर संगीतकार ललित पंडित जी यहाँ विंग्स में बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ यहाँ आ जाएं और सामने स्टेज पर बैठें। स्वागत है। अब मैं चाहूँगा जो तालियाँ बजा रहे थे इन्हें और इतना लंबा बजाएं और लता दीदी से स्वयं कहें मैं हिंदी में बात करूंगी, क्योंकि जावेद साहब हैं, लगी जी हैं, तो सबको समझ में आना चाहिए। शायद आप लोगों में भी कोई बैठा हो जो हिंदी जानता है। तो मैं आज हृदयनाथ की बर्थडे है और उसको आशीर्वाद देने यहाँ आई थी, और मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ कि वो और भी अच्छा काम करे और उसका नाम हो और 100 साल की उसकी उम्र। जावेद साहब का हमने इंतज़ार किया, पर जावेद साहब ने आपको कितना हंसाया ये मैं देख रही हूँ। मैं जब भी जावेद साहब से मेरी मतलब मुलाकात होती है तो तब हम हंसते ही रहते हैं, क्योंकि जावेद साहब ऐसी बातें करते हैं कि हम हंसी के सिवा और कुछ वहाँ होता ही नहीं। तो जावेद साहब को यहाँ देख के मुझे बहुत खुशी हुई और उनको हृदयनाथ का अवार्ड देने में मुझे मतलब बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे हृदयनाथ मेरे लिए है वैसे जावेद साहब को भी मैं भाई मानती हूँ। मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है, आप सब ने मेरी तारीफ की है आज, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री में 75 साल हुए, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। मैं बचपन से ही काम करती थी, जब मैं 9 साल की थी तब मैंने पहली मर्तबा मेरे पिताजी के साथ क्लासिकल प्रोग्राम में मतलब उनके साथ गाया था, तो मैं तब से गा ही रही हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद थोड़ी मेरे सामने मुश्किलें पेश आई, लेकिन रास्ता निकल ही जाता है और मैं गाती रही। और जावेद साहब जैसे राइटर भी मुझे मिले जिनके गाने मैंने गाए, जो गा के मुझे बहुत ही खुशी हुई। और उसमें से मुझे जो बहुत अच्छा लगता है उनका गाना वो है ये कहाँ हम आ गए, तो वो गाना मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ, इतना सुंदर है। मैं हृदयनाथ को बहुत आशीर्वाद देती हूँ, जावेद साहब को प्रणाम करती हूँ और आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। एक 5 मिनट में मतलब 5 मिनट भी नहीं, थोड़ा सा टाइम लूँगी। मेरी नीस है रचना शाह, उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए वो आई नहीं, पर उसने कुछ अपने मामा के लिए लिख के दिया है, वो मैंने जावेद साहब को कहा कि आप कृपा करके उसको पढ़ दें, तो वो आपको सुनाएंगे। Born as Hirdanath, but for the family, he was the very heartbeat that made them smile. Being the youngest, was fondly called Bal. Therein begins the journey of this child, marked with obstacles and the will to overcome them, to come out a winner and shine even brighter than before. Today I see him as the eternal artist, embellished with innumerable laurels and landmarks, a genius
and a purest domestic mediocre world. For me, he is my Bal Mama, the one who was easily parked on the credit of his first hit song to a little clueless girl and named her Bhagwan. For me, he is my Mama who stood behind me when I lacked the courage, beside me when I was doing right, and led me from the front when I wavered from my path. What Bal Mama means to me is very difficult to put down in mere words, as I feel the best and the most beautiful thing in the world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart. Today, he has turned 80. Mubarak, sir. Badhai. Another milestone for his artistic extraordinaire. Happy birthday, Bal Mama. May you continue to inspire with much love, Rachna. बहुत बहुत धन्यवाद।